परेशानी दूर हो चुकी है, खुशियों का माहौल आ चुका है। कल के दिन तूने कुछ कुर्बानी दे के आया मैंने सुना। आइए अनबॉक्स करते हैं हमारा नया लैपटॉप फिर से एक बार। हाय, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले का रहने वाला हूँ। तो मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ और मैं आपके वीडियो डेली देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बेहतर ब्लॉगर है और उससे ज्यादा बेहतर इंसान भी है। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। संडे के दिन हमने राइड किया था, उस दिन हमने बनाया था दो व्लॉग्स, उसकी वजह से एक दिन हमें आराम था। उस आराम वाले दिन, वो आराम वाला दिन ही स्पेशल दिन था, बहुत सारी चीजें हुई है, काम हुआ है और एक बहुत ही स्पेशल चीज हुई, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं, लेकिन टाइटल से समझ में आ ही गया होगा। तो कल जो आराम का दिन था, उस दिन अपना जो कमरा है उसको मैंने साफ किया और अभी बाहर का काम चल रहा है। ओ भाई, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, काम चल रहा है? साफ सफाई हो रही है घर की? मस्त वाली। शफीक जिम संभाल रहा है तू? मेरा फेवरेट है यार। शफीक की क्या हालत हुई है बताता थोड़ी देर में, ऐसी हालत में भी शफीक काम कर रहा है। शफीक डेडिकेशन है तेरे अंदर यार। अभी इन्हें साफ सफाई करते हुए कुछ वक्त हो गया है। गौरव जी और शफीक अपने दिल की बात आप लोगों से बताना चाहते हैं। अगर आप अपने घर में बिल्लियां पालते हो ना, ध्यान से सुनो, सूचना जनहित में जारी। हाँ गौरव जी, बिल्लियां पालना बड़ी बात नहीं है, घर साफ करना बहुत बड़ी बात है इनको रखने के बाद, क्योंकि जिस हिसाब से इनके बाल टूटते हैं और निकलते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है जो झाड़ू हम लगाते हैं। इसमें से ये सब इनके बाल है, कचरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनके बाल, बाकी अभी निकालना बाकी है, ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं। इनको पालना थोड़ा भारी तो है, लेकिन अगर कंपेयर करें कुत्तों से तो बिल्लियां बहुत बेहतर है, क्योंकि साफ सफाई रखती है वो, शेडिंग होता है तो क्या कर सकते, उनकी भी गलती नहीं है। लैला परेशान करती है तेरे को ना ज्यादा? लैला आज तक नहीं सीख पाई कि उसको अपने लिटर बॉक्स में ही जाके सुसु पॉटी करनी है, वो भारी करती है और वो बाहर जब करती है तो फिर शफीक की परेशानी बढ़ जाती है। एक जगह कर समझ में आता है, घर के पांच कोने में करती है कभी यहाँ से वहाँ, तो मुझे दो चार दिन लगता है कि हाँ यार आज नहीं की, तो मुझे लगता है सुधर गई, वो बाल में पड़ता वो कोने में करके आई है। अच्छा शफीक, कल के दिन तूने कुछ कुर्बानी दे के आया मैंने सुना। हाँ, कुर्बानी में क्या दिया? दो दिन का खाना बताता हूँ, सफाई के बाद। सफाई कर ले पहले। कल के दिन काफी सारी चीजें हमने किया, उसमें से पहला था जो हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस। उससे पहले एक अपडेट और है कि अभी तक हमें ये कंफर्म्ड पता नहीं चल रहा है कि हम नहीं जा सकते इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, और कंफर्म्ड पता ये भी नहीं चल रहा है कि हम जा सकते हैं। तो हमने क्या सोचा है कि हम अपना प्रोसेस जो हम करने वाले थे वो चालू रखेंगे। तो प्रोसेस के हिसाब से हमारा टिकट हो गया था, वीजा के लिए प्रोसेस दिया, वीजा अभी तक आया नहीं है। अभी हमें करना था ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस कल हमने कंप्लीट कर दिया, हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया है। उसके बाद में हमें अप्लाई करना था इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो अप्लाई हो चुका है लेकिन उसको आने में वक्त लगेगा, तो उसका थोड़ा 50-50% चांस है। और कल के दिन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मेरे दिमाग में जो फंसा हुआ था पिछले कुछ दिनों से वो रिलीज हो गया। यहां तक आज की कहानी थी। अब कल के दिन, चूंकि मैंने पूरा दिन व्लॉग नहीं किया लेकिन कल के दिन थोड़ा सा व्लॉग हुआ है, कल के दिन की कुछ बातें आपके सामने पेश करते हैं। ऑल एमएसकेंस, कैसे हैं आप लोग? आज के दिन का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम था, जो लैपटॉप मैंने अपना सर्विसिंग में दिया था वो लैपटॉप लेके आना था, शफीक को भेजा था, शफीक लैपटॉप लेके आ चुका है, लैपटॉप इज हियर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सलीम, लैपटॉप आ चुका है। इस डब्बे में लैपटॉप की सारी एक्सेसरीज हैं। मेपल स्टोर में हमारी बात हो रही थी शोएब भाई से, शोएब भाई ने बोला था कि सारी एक्सेसरीज आप लेके आना, बॉक्स भी लेके आना। ये बिल है, ये कुछ बुकलेट्स थे, ये अडैप्टर, चार्जिंग केबल, लैपटॉप रख देंगे, बुकलेट्स हैं ये भी रख देंगे। चलो फिर चलते हैं। धूप है मुंबई में, छटके लग रहे हैं हाथों में, अभी मौसम ऐसा हो रखा है कि यू नो रंग बदलता है, अभी ऐसा नहीं है कि बारिश तो बारिश, धूप तो धूप, अभी मिक्स हो गया सब कुछ। क्या कर रहा भाई, ऐसे बीचों बीच गाड़ी रोक देगा क्या? ऊपर ही लगा देते क्या? और ऐसा लैपटॉप हमने दे दिया है और ये कह रहे हैं कि अभी इनको चेक करने में एक घंटा लगेगा, उसके बाद ये बताएंगे हमें। तो मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, आना रहेगा तो शफीक या गौरव आ जाएंगे। यहाँ जब भी आता हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत शॉपिंग करने का दिल करता है, एक से एक ब्रांड्स है यहाँ पर। शोहेब हमें यहाँ नहीं मिला, यहाँ थे राजेश सर, उनको हमने दिया है। वो जो एक घंटा वो ले रहे हैं, वो कह रहे थे कि हम अपने इंजीनियर से चेक करवाएंगे जो इशू था वो सही में है कि नहीं, तो इसीलिए उन्होंने एक घंटा मांगा है। बाकी ठीक है, फिर घर पे मिलते हैं खुशखबरी के साथ इंशाल्लाह। आ गया नया लैपटॉप, आ गया नया लैपटॉप, रखो रखो रखो, क्या बात है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा शोएब भाई एंड मेपल स्टोर को, जिन्होंने हमारे दिल की दुविधा को समझी, दिल की परेशानी को समझी और हमारा जो डिफेक्टिव लैपटॉप था, डिफेक्टिव नहीं था वो, थोड़ा सा
हो गया था, यूज करते करते उसका डिस्प्ले उड़ गया था, उन्होंने उसके बदले हमें नया लैपटॉप दिया है। क्या बात है, इतने दिनों से मैं जो परेशान था, परेशानी दूर हो चुकी है, खुशियों का माहौल आ चुका है। कभी खुशी कभी गम, अभी खुशी का माहौल है। आइए अनबॉक्स करते हैं हमारा नया लैपटॉप फिर से एक बार। 10 दिन में दूसरा। क्या बात है। सेम लैपटॉप है जो मेरा था, मैकबुक प्रो 13 इंच M1 चिप वाला। अब इसमें सिर्फ एक काम है हमारा कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैंने इंस्टॉल किए थे पुराने वाले लैपटॉप में, वही सारे सॉफ्टवेयर्स फिर से एक बार इंस्टॉल करने पड़ेंगे एंड देन वी आर रेडी टू गो। इसमें कम से कम मेरा 2-3 घंटा जाएगा, लेकिन ठीक है यार, हो जाएगा अपना काम। वही सेम चीज़ इसमें मिलता है हमें, एक चार्जिंग केबल, बुकलेट्स एंड अडैप्टर। बढ़िया, बाकी वैसे के वैसे ही हम इसको वापस रख देंगे। ले शफिक, रख दे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच मैपू। अभी मैं लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ, मेरे को इसमें फाइनल कट प्रो डालना है, फोटोशॉप, लाइट रूम, कंप्रेसर, ये सब अभी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और मैंने बहुत उम्मीदों से इसका कवर लाया था। शफिक देना थोड़ा, बहुत उम्मीदों से। मैंने बोला था जिस दिन ये कवर आया था उसी दिन मेरा लैपटॉप खराब हुआ था, तो अभी ये कवर इसको चढ़ा देंगे बड़े उम्मीदों से। ये क्या है, इसके ऊपर लगाने के लिए? वाह, टच पैड में लगाने के लिए एक स्क्रीन गार्ड आया है, कीबोर्ड को बचाने के लिए एक रबर का कीबोर्ड प्रोटेक्टर, दो ये बैक साइड का कवर, ये फ्रंट साइड का कवर, सी टाइप पोर्ट को बचाने के लिए प्रोटेक्टर है एंड ईयरफोन का प्रोटेक्टर है। लैपटॉप को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए साधन है इसमें। लगाने का कोई तरीका है क्या? लगता है उल्टा लगा दिया अपन ने। ये हो गया, ये लग गया जी। अब हमारा लैपटॉप हर तरीके से प्रोटेक्टेड है, बस दुआ कीजिएगा ये चले, 1 साल भी चले तो पैसा वसूल है। इस कमरे की साफ सफाई हो चुकी है, जिम भी हमारा क्लीन हो चुका है। शफीक तेरे हाथ में क्या है? कटका। ये नया कटका लाया है शफीक ने, कितना रुपए? ये एक्चुअली 100 रुपए का। हाँ। तो सुबह सुबह गया था सामान लेने के लिए, बूढ़े चाचा बैठे थे। हाँ। मायूस में। अच्छा। बोला देखो क्या बेच रहा है, मैंने ले लिया 7 में 4। लगा दे। कहाँ का लगाएगा? एक एक मेरे कमरे के बाद, दूसरा यहाँ, तीसरा वहाँ, मत लगा थोड़ा सा इधर लगा, बस 3 हुआ ना ये। और एक मरे यहाँ पर, कहाँ है? एक साथ है। ये कहाँ रखेगा? ये जो खराब हो तो बाद में रखूंगा। ठीक है। हाँ मेरे भाई इधर आ। कल के दिन इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही थी, खुशखबरियां आ रही थी, और कल के दिन तेरा क्या हुआ? मेरे दांत निकल गया। 2 दांत इसने निकलवाए हैं। बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था? बहुत ज्यादा। जब से इसने दांत निकलवाया तब से इसका बोलने का स्टाइल चेंज हो गया। क्या खा रहा तू आजकल? दूध पाव। दूध पाव खा रहा है आज सुबह सुबह, दूध पाव। अभी तो थोड़ा अच्छा बोल रहा हूँ, जब मैं तो निकाल के फोन किया था देखो, समझ में आया था देखो, कल इसका पूरा मुंह भी सूज गया था। ठीक है ना? अभी ठीक है। दुआ करो शफीक के लिए इसका दांत वापस आए। दांत वापस आएंगे? नहीं आएंगे तेरे? आएंगे नहीं, 2 दिन बाद उसको दिखाना है, फिर लगवाना है। वापस लगवाएगा? इसलिए कहा जाता है कि मीठा थोड़ा कम खाओ, ये मीठा बहुत ज्यादा खाता है। बचपन में बहुत खाए होंगे मीठे? बहुत, अभी पसंद है। अच्छा होगा, अपने को मीठा पसंद नहीं है। अभी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि कभी कभी कुछ कुछ अच्छा होता है तो कुछ कुछ बुरा होता है। मतलब हमेशा लाइफ का फंडा है कि हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है और हमेशा बुरा नहीं हो सकता है। अच्छी बात आपने अभी तक सुन लिया, बुरी बात ये है कि मेरा हीरो 9, इसमें मैं माइक लगाता हूँ, ये वाले, ये GoPro का ओरिजिनल अडाप्टर है जो कि कैमरे में लगता है हीरो 9 में, और जो माइक देख रहे हैं आप ये रोड का माइक है। ओके, संडे के दिन जो मैं राइड पे गया था उस दिन कुछ कुछ क्लिप ऐसे थे जिनमें साउंड बिल्कुल भी नहीं आया, और कल भी जब मैं गया था लैपटॉप को देने के लिए उस टाइम भी कुछ क्लिप ऐसे थे जिसमें साउंड बिल्कुल नहीं आया। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लिप का साउंड कैसा हुआ है। कल के दिन जो मैंने मोटो व्लॉग किए थे उसमें 4 क्लिप मैंने शूट किए थे, जिसमें से पहला वाला जो क्लिप है, धूप है मुंबई में, पहला वाला क्लिप जो है 82 नंबर वाला लास्ट में, ये प्रॉपर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाला जो क्लिप है वो देखो, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मेरे को भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा होना चाहिए था कि चले तो बिल्कुल भी ना चले, किसी क्लिप में ना चले तो समझ में आता है कि चलो कुछ गड़बड़ है, लेकिन एक क्लिप में चल रहा है एक क्लिप में नहीं चल रहा है। और ऐसे टाइम पे पता है क्या होगा, जब मैं मोटो व्लॉग कर रहा था ना ये वाले टाइम पे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद ये चलेगा या नहीं चलेगा। अब मैं जो बात करना है वो फ्रीली बात करूं या फिर ये सोचते रहो कि चलेगा कि नहीं चलेगा, अब किस में दिक्कत है, हीरो 9 में, अडैप्टर में या माइक में, ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि हीरो 9 की एक बात अच्छी मैंने कल नोटिस की, कल नहीं परसों जब मैं राइड के लिए गया था तब मैंने नोटिस
की थी कि इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है यार। पूरा का पूरा जाते वक्त मैंने मोटो व्लॉग किया, आते वक्त मैंने मोटो व्लॉग किया और सिर्फ 50% ही बैटरी कंज्यूम हुई थी। और इसकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 1720 mAh का है हीरो 9 का, और हीरो 7 का जो है वो है 1220 mAh, तो ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन उसके वजह से मतलब मैं तो धन्य धन्य हो गया, मैं अपने साथ दो बैटरी कैरी किया था लेकिन वो यूज हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो इस बाल नोच नोच के मेरे बाल कम हो जाएंगे यार। ये इसका नहीं, बाल क्यों नोचूंगा भाई, इतने प्यारे से बाल है, बस बनाता नहीं इसलिए कैप पहन लेता हूँ, लेकिन बाल क्यों नोचूंगा भाई। देखता हूँ इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। कभी खुशी कभी गम के साथ हम ये ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे वापस नए ब्लॉग के साथ। अब तक आप अपना ख्याल रखें, अगर वैक्सीन नहीं लिया तो वैक्सीन ले लें, दोनों डोज अगर हो गया तो एकदम मस्त चिल करें। आप अपना काम पे ध्यान रहे, फोकस रहे, लाइफ में खुश रहे और MSK का ब्लॉग देखते रहे। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ आई सी नेक्स्ट ब्लॉग। बड़े खुदा हाफिज़, लिव लाइफ लिव ड्रीम। नहीं लेता हूँ कैप। और जी मेरा मोबाइल पकड़ो ना, इसको दबा के रखोगे ना, इसको दबा के रखोगे वाइब्रेशन का साउंड आएगा और कैमरा खुल जाएगा।